और चुनाव प्रबंधन को लेकर बीजेपी की बैठक है आज शाम 5 बजे कार्यालय में। बीजेपी की ये मीटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पर इस बैठक में चर्चा होगी। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में कल प्रदर्शन, रांची महानगर समेत सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। बीजेपी का रन फॉर मोदी कार्यक्रम कल, भाजपा महिला मोर्चा करेगा कार्यक्रम सभी जिले में। कल सुबह 8 बजे होगा रन फॉर मोदी कार्यक्रम। तो देखिए पूरी तरह से तैयारियों में लग गई है बीजेपी, और हर आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, हर चीजों को चुनावी तैयारियों से जोड़ते हुए बीजेपी अपने कार्यक्रम तैयार कर रही है। और इसी को लेकर देखिए बीजेपी का रन फॉर मोदी कार्यक्रम कल भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से है। सभी जिलों में कल सुबह 8 बजे से होगा रन फॉर मोदी कार्यक्रम। सहयोगी राजेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश देखिए हमेशा बात होती है और आप भी ये बातें अक्सर दोहराते हैं कि बीजेपी सालों भर तैयारियों में रहती है, उसे चुनाव के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इन तैयारियों के बावजूद अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अलग अलग तरह के स्पेशल कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से, जैसे रन फॉर मोदी कल होने वाला है भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से। कार्यक्रमों की कई श्रृंखला है, जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक पार्टी हर तरह के कार्यक्रम करने जा रही है, चाहे वो सरकारी स्तर पर बीजेपी की केंद्र में सरकार है वो कार्यक्रम हुआ। आपने देखा कि धनबाद में एक कार्यक्रम हुआ, सरकारी भी था राजनीतिक भी था, हर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, दूसरी तरफ एक राजनीतिक सभा भी हुई, जनसभा हुई। तो ये कार्यक्रम अब चलते रहेंगे जितने दिनों तक, अभी तक आचार संहिता नहीं लगी यानी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। इसलिए कल जो एक बड़ा कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ है, उसमें आप देखें कि सीजीएल पेपर लीक मामले के मुख्य रूप से उसमें एक विषय है, एजेंडा है। इसके अलावे जो अभी ताजा घटना हुई है दुमका की, वह भी इसमें इंकॉर्पोरेट हो जाएगी यानी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बिजली की भी समस्या है या अन्य जो राज्य सरकार के की असफलता से जुड़ी हुई चीजें हैं जो बीजेपी मानती है, उसके खिलाफ कल प्रदर्शन है। कल जो है पूरे प्रदेश में, रांची महानगर समेत पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए पार्टी का कार्यक्रम है, रन फॉर मोदी है, वह महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, कल सुबह 8 बजे होगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला है। अभी आप मैं आप एक दिखा रहा हूँ, ये वैन जो आपने अभी रिपोर्ट में भी दिखाई, ये वैन जो है ये इसे भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अभी 3 जगहों की सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गिरिडीह की सीट तो चूंकि आंसू के खाते में, मैं पार्टी कार्यालय में हूँ जब से हूँ लगभग 1.5-2 घंटे से, यहाँ पर 2 जगह के लोग आ रहे हैं, एक तो चतरा लोकसभा क्षेत्र के और दूसरे जो है धनबाद लोकसभा क्षेत्र। चूंकि यहाँ का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ, यहाँ पेज फंसा हुआ है कि किसे टिकट दिया जाएगा, किसका सीटिंग एमपी का कटता है या फिर रहता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने क्षेत्र के लोग आ जा रहे हैं, टटोल रहे हैं कि किन्हें टिकट मिल रहा है। 2-4 दिनों में ये संभव है कि उनके नाम भी तय कर दिए जाए और घोषित कर दिए जाए। एक और सीट है राज्यसभा की, जिसके लिए 4 तारीख से यानी कल से, कल उसका उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोटे तौर पर समीर उरांव की यह सीट खाली हो रही है। आप जानते हैं कि लोहरदगा सीट से समीर उरांव प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो अब कोई नया चेहरा होगा। नया चेहरा में 2 नाम चल रहे थे, एक तो आपने देखा कि आशा लकड़ा जो यहाँ की मेयर रह चुकी है, राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उनके नाम की बहुत तेज चर्चा है और यह माना जा रहा है कि संभवतः उन्हें ही टिकट मिले। किसी और एक नाम की चर्चा है, वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं आरती सिंह, उनके नाम की भी चर्चा है। पार्टी क्या तय करती है, राज्यसभा का चुनाव के लिए एक सीट के लिए आंकड़ा पर्याप्त है पार्टी के पास, तो आसानी से जीत हो जाएगी। किसी ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से उतारा जाएगा जो पार्टी का एक चेहरा भी बने और चूंकि लोकसभा चुनाव है उसका भी एक संदेश जाए लोगों में कि एक इस कम्युनिटी के लोग यहाँ पर
बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। तो ये सारी चीजें चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है। अभी कुछ नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए हुए हैं, एक बैठक होने वाली है चुनाव प्रबंधन, चूंकि चुनावी तैयारी अब शुरू करनी होगी, प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। आपने देखा कि मारू टावर में जो है यहाँ पर किशोरगंज के पास, वहाँ पर कार्यालय खुल गया है, वहाँ पर अब एक्सरसाइज शुरू होंगे, काम होंगे, चूंकि प्रत्याशी तय हो गए हैं। मिलाकर ये कि चुनावी तैयारियों में अब पूरी तरीके से पार्टी जुट गई है राजेश, और इसी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम भी अब शुरू किए जा रहे हैं। पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे उससे अलग अब चुनावी मोड में आकर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए अब बीजेपी अपने तरफ से पूरी तैयारियों में जुट गई है, हालांकि अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन पहली लिस्ट जैसे ही जारी हुई है उसके बाद देखिए पार्टी और रेस हो गई है, और इसी को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है अलग अलग लेवल पर। और कल महिला मोर्चा की तरफ से रन फॉर मोदी का कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।